वेलकम टू कुकिंग कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाना बताऊंगी, जो है सूजी का उपमा। सूजी को हम रवा भी बोलते हैं। सूजी का उपमा खाने में हल्का भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। 5 से 7 मिनट के अंदर हम इसे बना सकते हैं। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करें। गैस पे मैंने पैन रखा है और पैन में मैं अब घी एड करूंगी। ये मैंने 2 टीस्पून घी एड इसमें किया है। 1/2 कप मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, ये इसमें मैं फ्राई करूंगी। इनको अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। हल्का सा कलर चेंज होते ही हमें इनको निकालना है। कलर चेंज हो गया है तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर राई ली है, यानी सरसों, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ पत्तियां ली है मीठे नीम की, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसको डालने से उपमे में जो है फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छे तरह से साफ करके इसको ऐड करना है। ये मैंने लिए 2 टीस्पून उड़द दाल, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च लिए मैंने बारीक कटी हुई 1, इसको भी मैंने धो लिया था अच्छे से, इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। सभी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने लिए 1 कटोरी सूजी, इसको हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हमें सेकना है। 1 कटोरी सूजी का उपमा 2 मेंबर के लिए पर्याप्त होता है। कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कम फ्लेम पर इसको हमें अच्छी तरह से सेकना है, बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। मैंने इसमें घी ऐड किया था, आप चाहे तो तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ऐड करने से इसकी खुशबू अच्छी आती है। बिल्कुल मैं आपको हलवाई स्टाइल में आज उपमा बनाना बताऊंगी। उपमा जब तक सिकता है तब तक इसका हम पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक भगोनी रखी है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। जिस कप से आप सूजी का नाप ले उसी से ही हमें इसका 2.5 गुना पानी डालना है। ये मैंने 2 बार डाल दिया पानी इसमें, और आधा पानी मैं और डालूंगी। पानी बिल्कुल अच्छा तेज गर्म होने के बाद ही हम उपमा में डालेंगे। बीच बीच में हम सूजी को भी सेकते जाएंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको सेकना है। जितनी अच्छी सूजी सिकेगी उतना ही उपमा हमारा अच्छा बनेगा। एक खास टिप्स मैं आपको दूंगी कि बहुत से लोग जो है उपमा में डबल पानी डालते हैं, लेकिन डबल पानी डालने से थोड़ी देर के बाद जो है उपमा हार्ड हो जाता है। तो हम 2.5 गुना इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे उपमा जो है हमारा बिल्कुल नरम रहे। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है और सूजी भी हमारी सिक गई है अच्छी तरह से। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये लिए मैंने मूंगफली के दाने, इसको अच्छी तरह से मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर छिलके उतार के मूंगफली को मैंने इस तरह कचरा कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह मूंगफली भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। जो काजू हमने फ्राई किए थे वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़े से काजू जो हम बचा कर रखेंगे। अब धीरे धीरे हम पानी ऐड करते हैं जो हमने गर्म किया था, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। 1/2 कप मैंने टमाटर लिए हैं बारीक कटे, वो भी इसमें मैं ऐड करूंगी। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं उपमा बन गया है। गैस की फ्लेम को अब मैं बंद कर देती हूँ। 1 टीस्पून नींबू का रस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम घी भी इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। बारीक कटा हरा धनिया भी इसमें हम ऐड कर देंगे अब, और एक बार इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम उपमा को सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक प्लास्टिक का ये चम्मच लिया है, स्पून लिया है डिजाइन का। यदि आपके पास ये नहीं है तो इस तरह का बाउल भी ले सकते हैं।
ये जो काजू हमने रखे थे वो दो तीन पीस मैं इसमें नीचे ऐड कर दूंगी। और अब स्पून की मदद से मैं इस चम्मच में ये उपमा इस तरह ऐड करूंगी और दबा दबा के इसको इसमें सेट कर दूंगी। ये देखिए मैंने स्पून को इसमें सेट कर दिया है। अब चलिए हम उपमा निकाल लेते हैं हमारा। चलिए अब चम्मच से हम निकाल लेते हैं, बड़े आसानी से निकल जाता है। वाव, आप देखिए कितना अच्छा उपमा बनकर हमारा तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ हम एक बार फिर से इसको भरेंगे। चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसको भी, बड़ी आसानी से निकल जाता है। देखिए थोड़ी सी हम इस पर लगा देंगे बारीक नमकीन, जिससे और भी खाने में टेस्ट आएगा उपमा में। इस तरह आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारा उपमा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट उपमा जो है बना है हमारा। उपमा बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो सूजी जब हम सेकेंगे तो बिल्कुल हमें इसको गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इसको कम फ्लेम पे सेकना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो सूजी जो है कच्ची रह जाएगी। और पानी अच्छा बॉईल होने पे ही हमें उपमा के अंदर ऐड करना है। इस तरह हमारा टेस्टी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। आप जरूर इसको ब्रेकफास्ट में बनाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।